राजस्थान के बाड़मेर में वायुसेना का फाइटर प्लेन MiG-21 दुर्घटनाग्रस्त, दोनों पायलट्स की हुई मौत, जांच के लिए मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम। चेन्नई में 44वें चेस ओलंपियाड का आगाज, पीएम नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन, करीब 200 देशों के खिलाड़ी ले रहे हिस्सा। राष्ट्रपति के अपमान पर चौतरफा गिरी कांग्रेस, सीएम योगी ने की कांग्रेस सांसद अधीर रंजन के बयान की निंदा, कहा देशवासियों से माफी मांगे कांग्रेस और उनके सांसद। अधीर के बयान की सीएम धामी ने भी की निंदा, कहा मातृशक्ति का अपमान नहीं है बर्दाश्त, कांग्रेस की सोच को दिखाता है ये शर्मनाक बयान। राष्ट्रपति के अपमान को लेकर केशव प्रसाद मौर्य का कांग्रेस पर निशाना, किया ट्वीट, आदिवासी समुदाय की गरीब महिला का राष्ट्रपति बनना कांग्रेस को नहीं हो रहा बर्दाश्त, आज संसद में सोनिया स्मृति की हुई तीखी बहस। सीएम आवास पर यूपी बीजेपी कोर कमेटी की हुई बैठक, एमएलसी के नामों सहित कई मुद्दों पर हुआ मंथन, कल चित्रकूट में होने वाले प्रशिक्षण शिविर पर भी हुई चर्चा, बैठक में दोनों डिप्टी सीएम रहे मौजूद। जौनपुर में अखिलेश यादव का राजभर पर हमला, राजभर बीजेपी की बोलते हैं भाषा। लेटर जारी करने के बाद पहली बार बोले अखिलेश, कहा चाचा का सम्मान नहीं कर पा रहा था इसलिए किया स्वतंत्र। ओपी राजभर को लेटर जारी करने पर अखिलेश यादव का बयान, राजभर में किसी और दल की आत्मा ने किया प्रवेश। अखिलेश यादव पर अरुण राजभर का पलटवार, अखिलेश के नवरत्न बेच रहे थे टिकट, सुबह सपा ने अखिलेश के हाथ में दिया था पूर्वांचल, अपने घर में झाड़ फूक करवाया अखिलेश। लखीमपुर खीरी में करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण, पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने किया शिलान्यास और लोकार्पण, अधिकारियों को सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के बारे में बताया। अध्यक्ष पद से इस्तीफे पर बोले स्वतंत्र देव सिंह, अभी तो मैं अध्यक्ष के तौर पर ही हूँ, चित्रकूट में प्रशिक्षण है वहां तो जाना ही पड़ेगा, विधान परिषद की दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आजम खान की जौहर विश्वविद्यालय परिसर से हटाए जाएंगे फेंसिंग के कटीले तार, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हटाए जा रहे हैं तार, हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने विश्वविद्यालय में मौजूद 250 बीघा जमीन को लिया कब्जे में। मुरादाबाद में पेशी के दौरान आजम खान का राजभर पर निशाना, बोले ओपी राजभर तो बहुत बड़े नेता हैं, चुनाव में सरकार भी बनवा रहे थे और मुख्यमंत्री। यूपी के मुरादाबाद में आजम की पेशी के दौरान पूर्व चेयरमैन की मुलाकात, मामले में एक्शन, एक दारोगा सहित 4 पुलिसकर्मी निलंबित, डीआईजी शलभ माथुर ने की कार्रवाई। लखनऊ के अम्बेडकर पार्क से हाथी की मूर्ति चोरी, गौतमपल्ली थाने में मूर्ति चोरी की FIR दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ के अंबेडकर पार्क से फव्वारे में लगी हाथी की आकृति चोरी होने पर मायावती का सरकार पर निशाना, कहा स्मारक स्थलों की हो रही उपेक्षा। कानपुर बेकनगंज हिंसा मामले में मुख्य आरोपी पर NSA की कार्रवाई, हयात जफर पर NSA की कार्रवाई, पुलिस रिपोर्ट के आधार पर NSA की कार्रवाई। कानपुर हिंसा में आरोपियों पर भी होगी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई, वसी मुख्तार अकील शफीक पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई, DM विशाख जी और CP विजय सिंह मीणा ने दी जानकारी। कानपुर बेकनगंज हिंसा मामले में आरोपी पर हाजी वसी और बाबा मुख्तार पर लगा गैंगस्टर, अकील खिचड़ी और शफीक पर भी गैंगस्टर की कार्रवाई। अलीगढ़ में स्वास्थ्य निदेशक AK सिंह का बयान, जिला अस्पतालों में खाली पदों को आउटसोर्सिंग से भरा जाएगा, डॉक्टरों के खाली पदों को भरने के प्रयास कर रहे सरकार और स्वास्थ्य निदेशालय। गाजियाबाद के खिलाफ जिहाद मामले पर अल्पसंख्यक आयोग ने लिया संज्ञान, राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने गाजियाबाद SSP से मांगी मामले की रिपोर्ट, सिख युवती का जबरन करवाया गया था धर्म परिवर्तन। गाजियाबाद में लव जिहाद का मामला आया सामने, महिला का आरोप 8 साल से नाम बदलकर लिव इन में रह रहा था शख्स, आरोपी शाहनवाज के साथ महिला का एक बच्चा भी है, महिला पर धर्म बदलने का बना रहा था दबाव, महिला सिख समुदाय से ताल्लुक रखती है। देवरिया में हर घर झंडा अभियान, तिरंगा झंडा बनाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है मुस्लिम महिलाएं, 5 लाख घरों में झंडा फहराने का लक्ष्य। ग्रेटर नोएडा वासियों के लिए अच्छी खबर, अब 10% कम देना होगा बिजली का बिल, उपभोक्ताओं ने लगाए थे बिल से ज्यादा वसूली के आरोप, बिजली के टैरिफ प्लान को लेकर हुई हाई लेवल मीटिंग। संभल में निर्माणाधीन अवैध मार्केट पर चला बाबा का बुलडोजर, बिना नक्शा पास कराए चोरी छिपे बन रही 17 दुकानों को हटाया गया। लखनऊ के कातिल पिटबुल कुत्ते की 14 दिन बाद घर वापसी, अमित त्रिपाठी ने रिश्तेदार को दिलवाया गोद, 14 दिन पहले अमित की मां की कुत्ते ने ले ली थी जान। बहराइच में यातायात पुलिस का बड़ा कारनामा, पुलिस लाइन स्थित यातायात कार्यालय पर देरी से पहुंचने पर मिली मेंढक चाल की सजा, होमगार्ड संघ नाराज।
योगी राज में अपराधियों में जबरदस्त खौफ। गाजीपुर में आरोपी ने एसपी ऑफिस में किया सरेंडर, कहा मुझे पुलिस से बचाइए, मैं अपराध नहीं करूंगा। लखनऊ से करोड़ों की रकम लेकर फरार अमित अग्रवाल गिरफ्तार, कई बड़े चांदी व्यवसायियों की रकम लेकर हुआ था फरार। अमित अग्रवाल के पास से करोड़ों की चांदी, सोना भी बरामद। बुलंदशहर में अतिक्रमण पर चला नगरपालिका का बुलडोजर, मकानों के सामने बनाई गई दीवारों को गिराया गया, भारी पुलिस बल के साथ चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। बरेली में बुलडोजर की कार्रवाई निष्पक्ष रूप से जारी, बरेली में बीजेपी नेता के अवैध कब्जे पर हुई कार्रवाई, अवैध बारात घर निर्माण हटाया गया। सहारनपुर में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण का विरोध, भूमि का समान मुआवजा नहीं मिलने पर किसानों का प्रदर्शन, किसानों से कब्जा मुक्त कराई गई जमीन। भदोही में विजय मिश्रा के बेटे की कोर्ट में पेशी, रेप और रिश्तेदार की प्रॉपर्टी हड़पने के मामले में हुई पेशी, विष्णु मिश्रा को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा। बीजेपी की तर्ज पर अब सपा भी चलाएगी हर घर तिरंगा अभियान, 9 अगस्त से 15 अगस्त तक हर कार्यकर्ता अपने घर पर फहराएगा तिरंगा। मथुरा में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 5 अंतर्राज्यीय बदमाशों को गिरफ्तार किया, ट्रक से 20 लाख रुपए और 160 किलोग्राम गांजा बरामद। कासगंज में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से जख्मी, जबकि दूसरा मौके से फरार। ग्रेटर नोएडा में यमुना अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई, 2011 में अलॉट 100 एकड़ का अलॉटमेंट निरस्त। संभल में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा आया सामने, सिंचाई विभाग की 2,345 बीघा जमीन की खतौनी किए जाने का मामला आया सामने, फर्जीवाड़े की जांच के लिए एसडीएम ने जांच टीम गठित। गोरखपुर में एक सनकी युवक ने बुजुर्ग को दांत से काटा, फिर पानी में डुबोकर मार डाला, लाश लेकर 1 घंटे पानी में खड़ा रहा युवक। मुरादाबाद के गल शहीद इलाके में दीवार गिरने से बड़ा हादसा, 2 बच्चियों की मौत, एक की हालत गंभीर, परिवार में मचा कोहराम। बाराबंकी में पेड़ काटने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट, दोनों के बीच जमकर चले लाठी डंडे और ईंट पत्थर। लखीमपुर खीरी में मंदिर के बाहर पार्किंग स्टैंड को लेकर विवाद, स्टैंड के विरोध में विधायक योगेश वर्मा के समर्थकों का हंगामा, मोटरसाइकिल स्टैंड पर विधायक समर्थकों से हाथापाई। सॉल्वर को छोड़ने के मामले में पुलिस कमिश्नर ने की कार्रवाई, एसआई अभिषेक सोनकर को किया गया निलंबित, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी को दी मामले की जानकारी। आजमगढ़ में कमीशन पर पैसे बढ़ाने के नाम पर हो रही लूट, पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया, 15,000 की नकदी, चाकू बरामद। अलीगढ़ में एक युवक को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, लोगों ने युवक को पेड़ से बांधकर जमकर पीटा। यूपी के गाजियाबाद में पेट्रोल पंप पर मारपीट का वीडियो वायरल, 7-8 युवकों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों को जमकर पीटा, घटना सीसीटीवी में कैद। उन्नाव में शराबी पति से परेशान होकर महिला ने दी जान, शराब के नशे में पति रोज माता बेटी से करता था मारपीट। झांसी में सदर बाजार थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के पास 2 युवकों में जमकर मारपीट, तमाशबीन बने देखते रहे लोग, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। महोबा में जी यूपी उत्तराखंड की खबर का बड़ा असर, 6 ग्रामीणों को मृत दिखाने वाले सचिव निलंबित, सभी 6 की पेंशन बहाल। बुलंदशहर में 2 बेटियों ने मां की हत्या का लिया बदला, बेटियों ने पिता को उम्र कैद की सजा दिलाकर पेश की नसीहत। यूपी के जालौन में बड़ा हादसा टला, ब्रेक फेल होने से तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर दुकान में घुसा, बाल बाल बचे दुकान में मौजूद लोग। शामली में तेज रफ्तार का कहर, बाइक सवार 4 लोगों की मौत, मृतकों की नहीं हो पाई शिनाख्त। रुद्रपुर में नशे में एक सिपाही ने अपनी कार से 6 लोगों को मारी टक्कर, पुलिस ने सिपाही को गिरफ्तार किया। चंदौली के मुजफ्फरपुर गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आया युवक, मौके पर ही मौत। रायबरेली में लोन लेकर पैसा वापस न करने वालों के खिलाफ सख्त रवैया, अपना रहा बैंक, ऋण लेने वालों की बैंक ने जब्त की संपत्ति। आजमगढ़ में दुष्कर्म मामले में 2 आरोपियों को मिला आजीवन कारावास, आरोपियों पर लगा 50,000 का जुर्माना। बलिया कलेक्ट्रेट का एक वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल, कलेक्ट्रेट के परिसर में एसडीएम ऑफिस के सामने जल भराव के बीच बैठे 3 होमगार्ड। संभल में एक मौलवी पर 6 साल की बच्ची से रेप का आरोप, मस्जिद में तालीम लेने जाती थी बच्ची, पुलिस ने मौलवी को गिरफ्तार किया।
बाराबंकी में हुक्काबाद में पुलिस के छापे से मचा हड़कंप। छापेमारी में मिले दो दर्जन से ज्यादा नाबालिग लड़के। हुक्काबाद में कई लड़कियां भी मिली। फिरोजाबाद में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पर लटकी तलवार। करोड़ों रुपए खर्च कर बनाए गए सार्वजनिक शौचालय बंद पड़े। कानपुर में पुलिस के हिस्ट्री शीटर से यारी। अपराधियों के पुलिस के गठजोड़ का मामला। बिना तारीख के ही कचहरी पहुंचा है हिस्ट्री शीटर। हत्या के मामले में जेल में बंद है हिस्ट्री शीटर। यूपी के अलीगढ़ में युवक को तालिबानी सजा। पुरानी दुश्मनी के चलते युवक को पेड़ से बांधकर लाठियों से पीटा। वीडियो वायरल। कांवड़ यात्रा की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों का वीडियो जमकर वायरल। कांवड़ियों के स्वागत में बज रहे डीजे की धुन पर झूमते दिखे पुलिसकर्मी। गाजियाबाद के मोदीनगर में एक शख्स की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। युवक पर कुछ लोगों ने बरसाए लात भूसे और डंडे। काम में लापरवाही बरतने वालों पर एसएसपी आगरा की बड़ी कार्रवाई। दो चौकी इंचार्ज और थाना सिकंदरा के एसएसआई को किया लाइन हाजिर। पुलिसकर्मियों में मचा हड़कंप। कानपुर में रेडियो स्टेशन के टावर में गिरी आकाशीय बिजली। इलाकों का हुआ नुकसान। रेडियो स्टेशन पर एक सप्ताह का प्रसारण बंद। कन्नौज के चंदापुर गांव में शटरिंग का सामान लेकर जा रहा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। हादसे में ट्रक चालक की मौत। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने परिवार संग देखा ताज। परिवार संग एक घंटे बिताया समय। ताज का दीदार कर अठावले बोले वह ताज। देहरादून में सीएम धामी ने राजस्व विभाग के साथ की बैठक। सीएम धामी ने कामकाज को सरल बनाने के दिए निर्देश। जनता से जुड़े कामों को ज्यादा से ज्यादा बनाए सरल। स्थानीय लोगों की समस्याओं का करें निदान। अल्मोड़ा में प्रमाण पत्र नहीं बनने से लोग नाराज। महीनों लोगों को करना पड़ रहा है इंतजार। प्रशासन धीमे नेटवर्क का दे रहा है हवाला। हरिद्वार में कांवड़ मेले के स्वास्थ्य विभाग की बढ़ी चिंता। अस्पतालों में मरीजों की संख्या में इजाफा। वायरल फीवर की शिकायत लोगों में बढ़ी। स्वास्थ्य विभाग कोरोना संक्रमण को लेकर सतर्क। अल्मोड़ा में कुमाऊनी संस्कृति का प्रचार प्रसार। संस्कृति दलों की महिलाओं ने लिया हिस्सा। महिलाओं ने कार्यक्रम में दिखाया हुनर। दुल्हन प्रतियोगिता आकर्षण का केंद्र रही। टीरी में बस पलटने से बड़ा हादसा। हादसे में कई लोगों के जख्मी होने की खबर। एम्बुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बागेश्वर के एक सरकारी स्कूल में अचानक जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगी छात्राएं। चिल्लाने के दौरान बेहोश भी हुई छात्राएं। मामला सामने आया है जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। ऋषिकेश में रानी पोखरी का पुल तैयार। जल्द सीएम धामी करेंगे उद्घाटन। 13 करोड़ की लागत से बना है नया पुल। तेज बहाव में बह गया था पुल। एक साल में फिर बनकर तैयार। पहाड़ में हो रही बारिश का असर अब नदियों में भी दिखाई दे रहा है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जिला आपदा प्रबंधन विभाग ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। भारी बारिश से पहाड़ों पर आफत। कर्णप्रयाग में रानीखेत हाईवे पर भरभराकर टूटा पहाड़। भूस्खलन के बाद एनएच बंद। उत्तरकाशी में बारिश के बाद भूस्खलन। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर 3 जगहों पर हुआ भूस्खलन। बंदरकोट के पास भूस्खलन से एनएच पर आवाजाही बंद। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में पार्थ चटर्जी पर एक्शन। पार्थ चटर्जी को मंत्री पद से हटाया गया। ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी से मंत्री पद छीना। पार्थ चटर्जी का घोटाले में नाम सामने आने के बाद ममता बनर्जी का एक्शन। पार्थ चटर्जी से सभी विभाग छीने गए। ममता ने सभी विभाग अपने पास रखा। पार्थ चटर्जी फिलहाल उद्योग मंत्री थे। शिक्षक भर्ती घोटाले में फंसे पार्थ चटर्जी को टीएमसी सहित सभी पदों से हटाया गया। अर्पिता ने कबूला था कि मिला पैसा मंत्री पार्थ का था। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर कोलकाता में बीजेपी की महारैली। टीएमसी के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। कोलकाता में बीजेपी का ममता बनर्जी पर हमला। ट्वीट में नोटों के बंडल के साथ लिखा घोटाला हो गई। शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोला। मीनाक्षी लेखी ने पूछा ममता बनर्जी अब चुप क्यों। लोकसभा और राज्यसभा में अधीर रंजन के विवादित बयान पर हंगामा। स्मृति ईरानी ने लोकसभा में कहा कांग्रेस ने हर भारतीय नागरिक का अपमान किया। स्मृति ईरानी ने कहा कांग्रेस देश की जनता से माफी मांगे। सोनिया गांधी देश के आदिवासियों से माफी मांगे। अधीर रंजन पर बीजेपी का ताबड़तोड़ हमला। स्मृति ईरानी बोली राष्ट्रपति पर अशोभनीय टिप्पणी। आदिवासी राष्ट्रपति कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं। राष्ट्रपति वाले बयान पर अधीर रंजन की सफाई। कहा मैं बीजेपी से माफी क्यों मांगू। मेरे मुंह से गलती से शब्द निकल गया था।
राष्ट्रपति को लेकर अधीर रंजन की कल फिर किसी जुबान राष्ट्रपति की जगह राष्ट्रपत्नी कह दिया था। अधीर रंजन के बयान पर बोली सोनिया गांधी, अधीर रंजन पहले ही माफी मांग चुके। संसद भवन परिसर में बीजेपी का प्रदर्शन, राष्ट्रपति पर अधीर रंजन के बयान के खिलाफ प्रदर्शन, सोनिया गांधी से माफी की मांग। राज्यसभा से सस्पेंड हुए सांसदों का सरकार के खिलाफ 50 घंटे का प्रदर्शन जारी, संसद भवन के परिसर में लगे गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे सांसद। पूरी रात गांधी प्रतिमा के सामने चादर बिछाकर बैठे रहे सांसद, सभी सस्पेंड हुए सांसद शिफ्टों के आधार पर कुछ घंटे के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। तीसरे वनडे में भारत ने वेस्टइंडीज को 119 रन से हराया, शिखर धवन की अगुवाई में टीम इंडिया ने 3-0 से क्लीन स्वीप की वनडे सीरीज। 2022 का एशिया कप श्रीलंका की जगह संयुक्त अरब अमीरात में खेला जाएगा, 6 टीमों के बीच खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट का आगाज 27 अगस्त से होगा। भारतीय टेबल टेनिस टीम की तैयारियां जोरों पर, भारतीय खिलाड़ी शरद कमल और शाथियान गुणशेखरन ने किया है जमकर अभ्यास।